जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्ट्रीट 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज के डे 29 का जो टेस्ट लिया गया था उसका हम एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आए हैं। देखिए, इस एक्सप्लेनेशन वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन जो है दो जगह से जो है काफी पूछा जाता है। पहला कौन, तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीन चीजों से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा जो है समस्थानिक यानी आइसोटोप, संभारिक आइसोबार और समन्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन, इन टॉपिक से जो है क्वेश्चन जो है बीपीएससी में जो है पूछा जा रहा है। और इसके अलावा जो है अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से यही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन निकालो, चाहे प्रोटॉन इसका निकालो या फिर इसका न्यूट्रॉन की संख्या निकालो। तो आपको इतने पर जो है कमांड कर लेना है। तो आइए ज्यादा न देर करते हुए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन था, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा हाइड्रोजन में। अगर आप पूछिएगा कि कैसे, देखिए अगर आपको जो है एलिमेंट और एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या और एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान पता होगा तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में जो है टाइम नहीं लगेगा। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है एक होता है। और अगर हम हाइड्रोजन की परमाणु की द्रव्यमान की बात करें तो कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान भी एक होता है। तो इसके लिए जो न्यूट्रॉन निकालने के लिए जो है एक सूत्र होता है, क्या होता है, तो परमाणु का द्रव्यमान माइनस जो है परमाणु का क्रमांक संख्या। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको जो है परमाणु के द्रव्यमान में से जो है परमाणु का जो है संख्या जो है क्या करना है, घटा देना है। तो कितना हो जाएगा, तो परमाणु का द्रव्यमान संख्या एक है और परमाणु का क्रमांक संख्या क्या है, तो एक है, तो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगर जीरो वैल्यू होगा तो क्या होगा, तो वो उदासीन हो जाएगा, इसमें जो है कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में जो है कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो आपको यह भी याद रखना है कि परमाणु संख्या का सिंबल क्या होता है, तो इसे जो है जेड से सूचित किया जाता है और परमाणु द्रव्यमान को जो है इसे जो है ए से सूचित किया जाता है और न्यूट्रॉन को जो है छोटा एन से जो है सूचित किया जाता है। तो आपको जो इतना जो है याद रखना है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव है। यहां पे क्या पूछ रहा है कि परमाणु के नाभिक के अवयव कौन कौन सा है, तो देखिए किसी भी एटम के आउटर कक्षा यानी बाहरी कक्षा जो होता है उसमें क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, तो चक्कर काटता रहता है। जबकि अगर बात करें किसका, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो क्या करता है, वो कहां रहता है, तो प्रोटॉन जो कहां रहता है, न्यूक्लियस में रहता है यानी कि नाभिक में रहता है। और यहीं से जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक के अवयव कौन है, तो कौन होगा, तो आपको आंसर क्या देना है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि ये दोनों ही जो है क्या कहां रहता है, तो परमाणु के जो है नाभिक में रहता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन का कौन सा आवेश होता है यानी चार्ज क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो है निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर बात करें न्यूट्रॉन की, तो देखिए न्यूट्रॉन पर जो कोई चार्ज नहीं रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या जो है भिन्न होती है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी दिया रहे, दो तत्व दिया हो और पूछे कि ये जो है समस्थानिक है या संभारिक है या समन्यूट्रॉनिक है, तो सिर्फ जो है आपको उस केस में जो है दो चीज को जो है सबसे पहले चेक करना है। क्या चेक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल करना है परमाणु द्रव्यमान और दूसरा करना है क्या, तो परमाणु उसका क्रमांक। कौन कौन चीज, तो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक। और इसमें आपको क्या करना है, तो देखना है, क्या देखना है, अगर वहां पर क्या होगा, अगर वहां पर दोनों तत्व का जो है परमाणु संख्या बराबर है लेकिन क्या है द्रव्यमान संख्या दोनों का भिन्न है, तो उस केस को क्या कहा जाएगा, समस्थानिक कहा जाएगा। और इसके कारण जो है क्या होता है, तो नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, तो समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, भिन्न होती है। तो आपको यहाँ पर दो बात क्या रखना है, समस्थानिक के केस में कि समस्थानिक के केस में क्या होगा, तो परमाणु संख्या जो है समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा। इसके अलावा अगर बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसके अलावा जो है प्रोटॉन जो है वहाँ पर जो है समान होगा और न्यूट्रॉन जो क्या होगा, भिन्न होगा। और आपको यह भी याद रखना है, समस्थानिक का इंग्लिश क्या होता है, तो समस्थानिक का इंग्लिश होता है आइसोटोप्स। में कई बार पूछा गया है कि समस्थानिक को समस्थानिक नहीं लिखा गया है, सिर्फ पूछा गया है कि आइसोटोप्स। अगर दूसरी केस की बात करें, तो जब दो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान सेम हो लेकिन परमाणु संख्या जो है क्या होगा, भिन्न होगा, तो वह क्या कहलाएगा, आइसोबार कहलाएगा यानी संभारिक कहलाएगा। तो आपको यह भी याद रखना है, समस्थानिक बता दिए थे, संभारिक में क्या आपको याद रखना है,
तो जब दो तत्व का परमाणु द्रव्यमान सेम हो और परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, मतलब क्या समस्थानिक का जस्ट जो अपोजिट हो जाएगा तो उसको जो है क्या कहा जाएगा, तो संभारिक कहा जाएगा। और संभारिक में क्या होता है, तो संभारिक में जो है नाभिक का जो प्रोटॉन का जो संख्या होता है वो जो है भिन्न होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि संभारिक के नाभिक का जो है प्रोटॉन की संख्या भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है। इसके अलावा जो है संभारिक में न्यूक्लॉन की संख्या क्या होती है, तो सेम होता है। आइए अब समझते हैं कि सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं। तो देखिए इस केस में क्या होता है, तो दोनों चीज़ यानी परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान जो है दोनों जो क्या होता है, तो भिन्न होता है, उसे जो हम क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और अगर जो है इसके अलावा अगर बात करें तो सम न्यूट्रॉनिक में जो है न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो आपको क्या याद रखना है, तो सम न्यूट्रॉन में जो है न्यूट्रॉन की संख्या समान हो गया, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है सम न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान। और इसके अलावा क्या होगा, तो उसका जो परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो भिन्न होता है, और परमाणु द्रव्यमान भी जो है भिन्न होता है। तो इतने चीज को जो है आपको जो है याद कर लेना है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो देखिए आपको क्या करना है, तो द्रव्यमान संख्या निकालना है, तो द्रव्यमान संख्या के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है द्रव्यमान संख्या के निकालने के लिए, तो इसका सूत्र होता है न्यूट्रॉन प्लस जो है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के भी बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन चाहे प्रोटॉन, तो यहाँ पर आपको पुट कर देना है कि द्रव्यमान संख्या बराबर जो है न्यूट्रॉन की संख्या तो दो है, और उसमें जो है जोड़ देना है क्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दो, तो कितना हो जाएगा, तो चार हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, चार हो जाएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, तो देखिए किसी भी परमाणु के दो कक्षा होते हैं, पहला कौन होता है, तो बाहरी कक्षा होता है जिसमें क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटता है। वहीं अगर बात करें दूसरा कक्षा, तो दूसरी कक्षा जो है आंतरिक कक्षा होता है, और इस आंतरिक कक्षा का जो केंद्र होता है उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है इंग्लिश में, और इससे ही जो है नाभिक कहा जाता है हिंदी में, और इसके अंदर क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और यहाँ पर यही पूछा गया है क्वेश्चन कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, और यह जो है प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में, तो वो कैसा व्यवहार रहता है, उसमें कौन सा चार्ज रहता है, तो प्रोटॉन में जो है पॉजिटिव चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन में क्या कौन सा चार्ज रहता है, तो कोई चार्ज नहीं रहता है, मतलब क्या है, तो धनावेशित है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या और प्लस जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, तो 20 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो 18 है, तो अगर इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, तो हो जाएगा 38 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है, और इसमें आपको क्या दिया हुआ है, तो उसका जो है परमाणु द्रव्यमान दिया है और परमाणु क्रमांक दिया है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम बताए थे कि परमाणु द्रव्यमान में से जो है घटा देना है किसको, तो परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या को। तो अगर आप घटाइएगा 242 में से 94 को, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 148 हो जाएगा। अब देखिए आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सा अणु और एटम का बात कर रहा है, तो आप ही बताइए कि एटम के कितने भाग होते हैं, तो तीन होते हैं, कौन कौन सा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन में तो ये भी दिया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एटम का भाग नहीं हो उसको चुनना है, तो यहाँ पर ऑप्शन में फोटोन भी दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोटोन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोटोन जो है वो जो है इनर्जी का पैकेट है यानी ऊर्जा का बंडल है, इसलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखिए नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अणुपरमाणविक कण नहीं है। इसमें भी वही बात कर रहा है कि उसको छांट दीजिए जो परमाणु वाला है, तो परमाणु वाला कौन है, तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अगर हटा दीजिएगा तो कौन सा बच जाता है ऑप्शन में शेष, तो सी हो जाता है, ड्यूट्रॉन बच जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि ड्यूट्रॉन में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये जो है पाए जाते हैं। अब दसवां क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में होता है
क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। अब कैसे? तो देखिए हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? दो होता है। अगर इसकी द्रव्यमान की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो चार हो जाएगा। न्यूट्रॉन निकालने के लिए कहेगा तो कितना हो जाएगा? चार में से दो घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या? दो हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? तो दो जो है प्रोटॉन की संख्या या कहे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो जो है प्रोटॉन है चाहे इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछता है कि हीलियम के नाभिक में होता है, यानी पूछ रहा है आपको कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कुछ ना कुछ, तो कितना, तो क्या होगा? तो दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अब 11वां क्वेश्चन है, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग जो है होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। अब बताइएगा कि कैसे? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि अल्फा कण में दो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दो धन पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों का मतलब क्या है? तो प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी अलग होगा और न्यूट्रॉन भी होगा, तभी ना दो धन आवेश होगा। तो ये दोनों कहाँ रहता है? तो ये दोनों कहाँ पर रहता है? तो हीलियम के तो नाभिक में ही रहता है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। अब 12 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाती है? तो क्या हम बताए थे कि जिसमें जो है प्रोटॉन की संख्या समान होगा और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, उसे हम क्या कहते थे? तो समस्थानिक कहते थे, आइसोटोप्स कहते थे। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए 13वां क्वेश्चन है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिसका क्या होता है? समस्थानिक में तो परमाणु क्रमांक क्या होता था? तो समान होता था और परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न होता था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी में देखिए परमाणु द्रव्यमान भिन्न है और परमाणु क्रमांक समान है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है। तो हम क्या बताए थे कि सम न्यूट्रॉनिक के लिए क्या करना है? तो सम न्यूट्रॉनिक में दो चीज देखना है कि उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा तो वो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। इसके अलावा जो है अगर सभी का जो है सभी जितने भी एलिमेंट है उसका जो है न्यूट्रॉन की संख्या समान हो जाएगा तो वो भी जो है सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर यही देखना है कि किसका जो है न्यूट्रॉन की संख्या जो है समान है। तो देखिए डी नंबर का ऑप्शन में देखिए इसमें क्या है, कार्बन है और इसका जो है परमाणु द्रव्यमान दिया है 14 और परमाणु संख्या दिया है 6। अगर इसको जो है घटाइएगा न्यूट्रॉन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वहीं अगर नाइट्रोजन की बात करिए तो देखिए उसी के बगल में जो है तो 15 में से 60 घटाइएगा तो इसका भी न्यूट्रॉन हो जाता है 8 हो जाता है। और ऑक्सीजन में भी अगर 16 में से 8 घटाता है तो 8 हो जाता है। तो क्या देखिए कार्बन और जो है नाइट्रोजन और जो है ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन संख्या जो है समान है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये जो है सम न्यूट्रॉनिक है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें बोल रहा है न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। ये तो बात गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है इर्द गिर्द घूमता है जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है अंदर में रहता है। वहीं अगर बात करें बी का तो बी भी जो है गलत है। वहीं अगर सी की बात करें तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर चक्कर लगाता है बाहरी कक्षा के, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आविष्कार से है और आविष्कार से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये नहीं है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ही पूछेगा। ये जो है पूरे फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री चाहे बायोलॉजी कहीं से भी जो है एक ठो जो है क्वेश्चन जो है आपको पूछ देगा आविष्कार से। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर कि एटम में जो है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूटन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वहीं अगर बात कर दे कि कब की थी खोज, तो देखिए 1932 ईस्वी जेम्स चैडविक ने की थी। और अगर वहीं पूछ दे कि किस धातु पर प्रयोग करके उसने जो खोजा था, तो बेरिलियम धातु पर। अब बेरिलियम धातु पर जो है कैसे खोजा था? तो जब उसने जो बेरिलियम पर जो है तीव्र गति वाले कण का जो है बमबार्ड किया यानी वर्षा किया, बम वर्षा, तो उसमें क्या हुआ था? विद्युत उदासीन कौन जो है न्यूट्रॉन बन गया। तो इसी प्रकार जो है न्यूट्रॉन की जो खोज हुई थी। अब देखिए 17वां क्वेश्चन है कि परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? तो ये भी खोज से संबंधित है। तो किसने? तो रदरफोर्ड ने खोजा था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर बात करें कि कब किया था रदरफोर्ड ने इसका खोज, तो 1911 ईस्वी में। अब देखिए 18वां क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा कण जो है प्रतिकण युग्म है? तो देखिए प्रतिकण जो है उसे कहा जाता है जिसका द्रव्यमान सेम होता है तथा चार्ज जो है सेम नहीं होता है। क्या बोले? द्रव्यमान सेम होगा लेकिन चार्ज जो है सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन में क्या होता है?
तो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में जो है निगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो देखिए जो है अफवाऊ प्रिंसिपल है एक, उसी के सिद्धांत के द्वारा होता है, जिसके अंतर्गत आप देखे होंगे कि 1s2s2p3p4s3d4p5s इस तरह का जो है सीरीज जो है आप देखे होंगे, तो उसी के द्वारा जो है यह जो सिद्धांत दिया गया था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन, आपको इसमें क्या चेक करना है, इसमें बोल रहा है कि समस्थानिक है कि समघटक है कि समदाबी है कि समन्यूट्रॉनिक है, तो आप ही देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसका परमाणु क्रमांक जो है सेम है, जबकि इसका जो है परमाणु द्रव्यमान जो है सेम नहीं है। तो इसका डिफिनीशन क्या है? तो जब जो है परमाणु क्रमांक जो है संख्या सेम होगा और द्रव्यमान संख्या जो भिन्न होगा तो क्या कहा जाएगा, समस्थानिक कहा जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए 21वां क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसमें क्या देख रहे हैं आप, तो इसमें भी वही बात देख रहे हैं, परमाणु क्रमांक जो है सेम है और जबकि उसका परमाणु द्रव्यमान जो है सेम नहीं है, तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, तो समस्थानिक हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें तो दोनों भिन्न है, परमाणु क्रमांक भी भिन्न है और परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न है, तो जब ऐसा केस आएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, तो समन्यूट्रॉनिक कहा जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए 23वां क्वेश्चन है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें भी वही चीज़ देख रहे हैं कि इसका जो परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान जो है दोनों भिन्न है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, आइसोटोन। देखिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यहीं पर जो है आइसोटोन को जो है समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है और समन्यूट्रॉनिक को जो आइसोटोन इंग्लिश में कहा जाता है, तो आपको जो हम पहले ही बता दिए हैं कि आपको सभी का इंग्लिश नाम भी याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश नाम को यहाँ पे हिंदी बना के जो है पूछ देता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, 23 नंबर का, तो सी हो जाएगा। अब 24वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं इसमें भी भिन्न है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, समन्यूट्रॉनिक। अब देखिए 25वां क्वेश्चन है कि समभारिक में किसकी संख्या समान होती है, तो किसकी संख्या समान होती है, तो परमाणु द्रव्यमान की संख्या समान होती है और परमाणु जो है क्रमांक की संख्या जो है असमान होती है। और इसके अलावा भी हम एक बात बताए थे, क्या बताए थे, इसके अलावा भी हम एक बात ये बताए थे कि इसमें जो है न्यूक्लियॉन की संख्या क्या होती है, तो समान होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है, तो देखिए ये हम नहीं बताए, तो देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। पहला कौन होता है, तो प्रोटियम, और इसका जो है द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो 1 होता है, तो जिसका परमाणु क्रमांक 1 हो और द्रव्यमान संख्या 1 हो उसको क्या कहा जाता है, प्रोटियम कहा जाता है, और जिसका जो है परमाणु क्रमांक 1 हो लेकिन जो है परमाणु द्रव्यमान 2 हो जाएगा उसको जो है ड्यूटेरियम कहा जाता है, देखिए ना 2 और 2 ड्यूटेरियम, और अगर वहीं पर जो परमाणु द्रव्यमान 3 दे देगा लेकिन परमाणु क्रमांक जो सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, ट्राइटियम, 3 लग गया तो ट्राइटियम हो जाएगा। तो आपको जो इस तरह से जो याद रख लेना है, और अगर बात करें कि ट्राइटियम की, तो देखिए ट्राइटियम जो है एक रेडियो सक्रिय जो है समस्थानिक होते हैं, तो आपको ये भी नहीं भूलना है क्योंकि इससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, तो बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, यूरेनियम। और अगर बात करें यूरेनियम की समस्थानिक की, तो क्या होगा, तो यूरेनियम का समस्थानिक जो है 3 होता है, कौन कौन होता है, तो एक का जो है द्रव्यमान होता है कितना, तो 234 होता है और परमाणु क्रमांक 92, और दूसरा जो है उसका परमाणु क्रमांक तो सेम रहता है 92 ही, लेकिन उसका जो है परमाणु द्रव्यमान जो है 235 होता है, और तीसरा जो है उसका जो परमाणु द्रव्यमान जो है 38 होता है। मतलब आपको याद रखना है कि देखिए यूरेनियम का जो समस्थानिक होता है उसमें जो है सिर्फ जो है परमाणु द्रव्यमान बदल जाता है, कितना कितना, तो एक होता है 34 और एक होता है 35 और एक होता है 238 होता है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि जिस यूरेनियम का परमाणु द्रव्यमान जो है 234 है उसका मात्रा प्रकृति में कितना है, तो सिर्फ 0.006% है। और अगर बात करें कि द्रव्यमान संख्या 235 वाले यूरेनियम की कितनी है उपलब्धता, तो 0.71%। अगर वही बात करें कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा कौन सा यूरेनियम है, तो जिसका द्रव्यमान संख्या 238 होगा वही जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में कितना है, तो 99.28 है। अगर बात कर ले कि यूरेनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो देखिए यूरेनियम का प्रयोग जो है परमाणु भट्टी के जो ईंधन के रूप में जो है किया जाता है, ईंधन के रूप में। अब बात कर लेते हैं 28वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं,
तो देखिए हाइड्रोजन के जो रेडियो सके समस्थानिक जो है उसे जो है ट्राइटियम कहा जाता है। और ये हम बताए थे कि आपको जो याद रखना है कि जिसमें जो है तीन जो है परमाणु द्रव्यमान होगा उसे ट्राइटियम कहते हैं और ये जो है रेडियो सक्रिय जो है समस्थानिक होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो देखिए पोलोनियम के जो समस्थानिक जो है उसकी संख्या जो 27 है, आंसर नंबर जो है डी हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि पोलोनियम के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है तो 210 होती है, और अगर वहीं परमाणु क्रमांक की संख्या बात करें तो 84 होता है। तो आपको ये भी जो है इतना याद रखना है। अब देखिए 30वां क्वेश्चन था सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। तो देखिए सर्वाधिक संख्या में जो समस्थानिक जो है पोलोनियम के पाए जाते हैं। क्यों? तो क्योंकि पोलोनियम के समस्थानिक की संख्या कितनी है, 27 है। इतना जो है किसी का भी जो है नहीं है समस्थानिक की संख्या, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, पोलोनियम। तो जितने भी क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन थे सारे को जो है इसमें जो है एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको जो है अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर।